So today in this video we are going to talk about the third paper and its important objectives which is going to be asked in your examination. It is very important for the point of view of objectives that are being asked. तो हम बात करेंगे पेपर थर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स की. और जैसा कि आप सबों को पता होगा कि इस पेपर में चार यूनिट्स हैं और चारों में अलग अलग प्लेज हैं, जिसमें से कि पहले दो विलियम शेक्सपियर के हैं, मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट, और उसके अलावा जो है लव फॉर लव जो कि विलियम कंग्रीव का है, और एक चौथा जो है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. ये भी एक प्ले है जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई है. तो एक एक करके हमने चार सेक्शंस में बांटा है इसको, ए बी सी और डी, और आप उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे. हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि इतना पढ़ लेने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन यदि ये आप पढ़ते हैं तो आपको एक बेस मिलेगा. इस आधार पर और भी चीज़ें आप, हमने कई पार्टिकुलर वीडियोज़ भी बनाई हैं ऑब्जेक्टिव्स पर, और डिस्क्रिप्टिव आप एक बार ज़रूर देखें. भले एग्ज़ाम में आपके डिस्क्रिप्टिव आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, चूँकि मुंगेर यूनिवर्सिटी के बच्चे बोल रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, तो आपको फिर भी समरी एक बार पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि उससे पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे. तो हम प्रयास करेंगे शॉर्ट में चीज़ें नैरेट करने का जो कुछ भी हमने यहाँ पर लिखा है. तो सबसे पहला जो मैकबेथ है, तो इसका सबसे पहला सवाल आता है कि मैकबेथ क्या है. मैकबेथ एक नॉवल है या प्ले है? तो स्वाभाविक है ये एक प्ले है, नाटक है. और जब प्ले है तो किस तरह का प्ले है, अर्थात जॉनरा क्या है? तो जॉनरा इसका है ट्रेजेडी. ये एक ट्रेजेडी है, यानी ट्रेजिक प्ले है जो कि हमने लिखा है यहाँ पर, और ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा. ये परफॉर्म किया गया था 1606 में और इसको पब्लिश किया गया 1623 में. इसका जो पूरा टाइटल था, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि व्हाट वाज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले मैकबेथ, तो इसका पूरा टाइटल था द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ. और स्वाभाविक है मैकबेथ को एक ट्रेजिक हीरो के तौर पर देखा जाता है, वो एक ट्रेजेडी है और मैकबेथ हीरो हैं, जबकि उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है इसमें, उसके बावजूद उनका जो ट्रेजिक फॉल है उसको दिखाया गया है इसमें. आगे बढ़े तो इसके जो कैरेक्टर हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है किंग डंकन, जो राजा होता है. इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि शुरुआत यहीं से होती है. तो किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड का राजा होता है, और ये भी ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड के तीन राजा बनते हैं इस पूरे प्ले के दरमियान, प्ले के प्लॉट के दरमियान. तो पहले थे वो किंग डंकन, उसके बाद बनते हैं मैकबेथ, और देन उसके जो बेटे होते हैं मैलकलम, वो बनते हैं. आगे बढ़ें तो इनके जो दो बेटे थे, मैलकलम और डोनाल्बेन, दो बेटे थे, ध्यान रखिएगा दोनों ही इनके बेटे थे. और सिचुएशन क्या थी, आप जानते ही होंगे कि युद्ध से लौट रहे थे दो जनरल्स इनके, जो किंग डंकन थे इनके दो जनरल्स थे. कौन कौन? उनमें से एक मैकबेथ था और उसका एक फ्रेंड था बैंको. दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे और दोनों खुशी खुशी लौटते आ रहे थे युद्ध से कि उन्होंने बैटल को जीता था, युद्ध को जीता था. लेकिन समझ ही रहे हैं आपको, यदि आपने प्लॉट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से रास्ते में उनकी मुलाकात थ्री विचेज से हुई. तीन विचेज, विचेज मतलब होता है जो कह लीजिए जो बुरी आत्मा होती है उसको हम लोग कहते हैं, चुड़ैल भी हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में. तो उन्होंने प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी करी कि तुम जो है राजा बनोगे, और बैंकों के बारे में कहा गया कि तुम्हारा जो है प्रमोशन हो जाएगा. तो यानी एक तरह से दोनों को कुछ कुछ दोनों के बारे में कहा गया, और ये सब बातें जो है बैंकों को पता चली और मैकबेथ को. मैकबेथ ने सारी बातें लेडी मैकबेथ यानी अपनी पत्नी से शेयर करी. और लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी एम्बिगुअस थी. एम्बिगुअस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी. वो काफ़ी सेल्फ एम्बिगुअस थी, अपने बारे में सोचती थी, और वो चाहती थी कि इसके जो पति हैं, हस्बैंड मैकबेथ जो हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ें, यानी जल्दी से किंग बन जाए. तो इसीलिए जब उसी रात डिनर के लिए आए किंग डंकन इनके यहाँ, तो इन्होंने मैकबेथ को कन्विंस कर लिया कि मार देना है जान से. किसको? किंग डंकन को मार देना है ताकि हम जल्दी से राजा बन पाएं. ऐसा लेडी मैकबेथ ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक किया, उकसाया कह सकते हैं, और उसका जो आरोप था मर्डर का लगा दिया गया. चैम्बरलेंस जो थे, उसके जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड्स थे, उन पर लगा दिया गया. उनको शराब पिलाकर रखा गया था पहले से ही रात्रि के दौरान, और सुबह जब जगते हैं तो जो इसका एक दुश्मन था मैकडफ, मैकडफ ही डेड बॉडी को पाता है कमरे में और सबको बताता है कि किंग डंकन की हत्या हो चुकी है. और मैकबेथ अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो
दोनों चैम्बरलेंस को मार देता है जिनको उन्होंने पहले से शराब पिला कर रखा हुआ, ताकि इस पर कोई आरोप ना लग पाए। आगे बात करें तो मैकडफ के बारे में कि ये इंसान का जन्मा नहीं था ऐसा पता चलता है। ही वॉज बॉर्न ऑफ सेजेरियन, कह सकते हैं सेजेरियन मैन था वो। विद द हेल्प ऑफ ड्यूक्स अटैक्ड, ड्यूक जो इनके जो जो आर्मी में था, मेलकोलम था, उसकी मदद से इंग्लैंड की आर्मी पूरा बनकर जो है इन्होंने अटैक किया और मैकबेथ को मारा भी, बिहेड कर दिया, पूरा सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया जान से। और बात करें लेडी मैकबेथ का क्या हुआ, तो वो ऑफ स्टेज ही मर जाती है, उसका कुछ सामने जिक्र नहीं हुआ है। बस किसी से खबर मिलती है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को ही स्टैब कर लिया है, खुद को, सी हैज़ किल्ड हरसेल्फ, ऐसा पता चलता है किसी और के माध्यम से। तो इनके बारे में एक फैक्ट है कि ये खुद से मार लेती हैं अपने आप को, और वो भी ऑफ स्टेज, किसी को दिखता नहीं है वो, ठीक है, ये बस बात सुनाई देता है। और इसके अलावा इनको एक प्रॉब्लम भी थी, इनको एक फिट था, दौरा पड़ा था, लाइक कह सकते बीमारी थी कि वो स्लीप वॉकिंग करती थी, यानी नींद में चलती थी, ऐसी बीमारी होती है कई को। तो ये कुछ, और बैंकों को जो मर्डर किया गया था, बैंकों का बेटा एक फ्लियांस भी होता है, तो फ्लियांस तो एस्केप कर गया था, भाग गया था बाद में, जो कि आर्मी में शामिल हुआ था मैकडफ और मैलकलम के साथ, लेकिन बैंकों को मार दिया गया था एक ग्रुप ऑफ मर्डरर्स के द्वारा जो कि हायर किया था मैकबेथ ने। मैकबेथ को डर था क्योंकि वो उसका मित्र था, उसे लगा कि कहीं बैंकों को शक ना हो जाए कि हमने ही मारा है किंग डंकन को, इसीलिए उसने सबसे पहले बैंकों को मरवाने का फैसला किया। और बैंकों तो मारा गया, लेकिन उसका बेटा फ्लियांस जो बच गया, वही बाद में जाकर आर्मी में शामिल होता है और मैकडेफ के खिलाफ साजिश करता है। और कुछ यदि बातें रह गई हो तो आप डिटेल्स में, हमने इस पर MCQs भी रखा है, आप समरी आप लोग जाकर देख सकते हैं, हो सका तो मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे। अब बात करें ट्वेल्थ नाइट की। ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है, ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा, वो एक ट्रेजेडी था मैकबेथ, और ट्वेल्थ नाइट रोमांटिक कॉमेडी है। कॉमेडी तो है ही, कॉमेडी में भी जॉनरा होता है, तो कॉमेडी में एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये शेक्सपियर के द्वारा ही लिखी गई है, और ये 1601 से 1602 के बीच में लिखी गई है। परफॉर्म किया गया था 1602 में और इसको पब्लिश किया गया 1623 में। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो मेन तीन कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिसमें से ऑर्सिनो होती है, होता है एक्चुअली, ये ड्यूक है, राजा है ऑर्सिनो, इलीरिया का राजा होता है, किंगडम इलीरिया नाम है उसका, ध्यान रखिएगा, इलीरिया नामक किंगडम का राजा होता है, और वो ओलिविया से काफ़ी इन्फैचुएटेड रहता है। और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है वायोला से, जिसका कि बाद में नाम वो बदल लेती है, या अपना वेश ही बदल लेती है, डिसगाइज कर लेती है सिजारियो के नाम से। तो अब यहाँ पर हमने दिखाया कि ऑर्सिनो जो कि इलीरिया का ड्यूक था, राजा था, वो इन्फैचुएटेड था ओलिविया को लेकर काफ़ी, जो कि मर्न कर रही थी अपने ब्रदर की डेथ को, वो अपने भाई के मरने का शोक मना रही थी, और वो ऐसा भी कहती थी कि वो 7 साल तक, फॉर 7 ईयर्स सी विल बी कंटिन्यू मर्निंग फॉर द डेथ ऑफ हिज हर ब्रदर, अपने भाई के मरने का शोक वो 7 साल तक मनाएगी, तभी वो कुछ और बात करेगी। तो वास्तव में वो एक काफ़ी पाखंडी है, काफ़ी प्रिटेंड कर रही है, सी इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बीइंग इन मर्न। तो आगे बात करें तो वायोला जो कि अपना नाम बदल लेती है, काम नहीं मिलने के कारण अपना नाम बदल कर सिजारियो कर लेती है, एक लड़का का वेश धारण कर लेती है, डिसगाइज कर लेती है। उसका एक जुड़वा भाई भी होता है सेबेस्टियन, जो कि एक जहाज दुर्घटना में शिपरेक में खो जाता है, इससे बिछड़ जाता है। ओलिविया का अंकल होता है एक सर टॉबी, और उसका एक फ्रेंड सर टॉबी का एंड्री ऑगिचिक, और कुछ करेक्टर्स होते हैं ये ओलिविया के घर में, मारिया जो कि मॉलवेलियो के साथ अक्सर मजाक करते हुए देखी जाती हैं, एक याद होगा आपने यदि समरी पढ़ा होगा तो किस तरह से वो मॉलवेलियो पर मजाक करती हैं कि एक लेटर लिख कर कि तुम पीले पीले कपड़े पहन के आओ तो शायद मैं खुश हो जाऊँ, ओलिविया के नाम से लेटर लिखती हैं, मतलब एक तरह से उसको झूठ का फंसाती हैं, और इसीलिए उन्हें बंद कर दिया जाता है एक डार्क रूम में ओलिविया के द्वारा, और सब उसको पागल समझते हैं, ओलिविया खास करके, और इस वजह से उसे एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। तो इस प्ले में यही होता है कि किस तरह से सब फिर बाद में मिलते हैं, यानी सेबेस्टियन भी वापस आ जाता है, और मिस आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, लोग गलत पहचानते हैं, चूँकि दिखने में दोनों एक जैसे थे, कौन कौन, वायोला और सेबेस्टियन, दोनों जुड़वा भाई बहन थे, दोनों दिखने में एक जैसे थे, तो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना होगा आपको। और डिटेल में यदि समरी देखनी है, काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर देखें, लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप कैरेक्टर्स वगैरह भी देखना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको। आगे बात करें तो लव फॉर लव, जो कि तीसरा हमारा प्ले है,
वो एक रिस्टोरेशन कॉमेडी है, कॉमेडी है ये भी जॉनरा इसका, कॉमेडी है ये भी, विलियम कंग्रीव के द्वारा लिखी गई है। हमने इस पर एमसीक्यूज में पार्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया अलग से, इस पर आप देख सकते हो उसको। इसको परफॉर्म किया गया था 1695 में। इसका जो कैरेक्टर होता है सर सैमसन लीजेंड, ये फादर होता है दो बेटों का, वैलेंटाइन और बेन। बड़ा बेटा वैलेंटाइन होता है, छोटा बेटा बेन होता है। और वैलेंटाइन हैज़ फॉलन इन लव विथ एंजेलिका, और ये प्रेम में तो पढ़ा ही है, साथ ही साथ कर्ज में भी पढ़ा हुआ है। उसके काफ़ी कर्ज हैं, वो काफ़ी खर्चीला है, एक्स्ट्रा वैगन्स है वो। इस वजह से पिताजी उसको पसंद नहीं करते हैं, सर सैमसन लीजेंड उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और उसको कहते हैं कि तो हम तुमको 4,000 पाउंड दे देंगे, ये रकम ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये 4,000 पाउंड तुमको हम दे देंगे। और वो ऑफ़र करता है इसको, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें अपनी सारी जायदाद, अपना जो हिस्सा है वो बेन के नाम कर देना होगा, तो छोटे भाई के नाम कर देना होगा। ये भी काफ़ी परेशान था कर्जदारों से, बार बार तंग आता था, तो इसने साइन कर दिया तंग आकर, है ना, और इसे 4,000 पाउंड दे भी दिया गया। लेकिन बाद में इसे काफ़ी वो हुआ कि हमने क्या कर दिया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इस वजह से जो है वो चाहता है कि उस बॉन्ड को किसी तरह कैंसिल कर दिया जाए, उस एग्रीमेंट को। और ये बात जब एंजेलिका को पता चलती है तो वो बिना बताए वो सैमसन लीजेंड को सिड्यूस करती है, इंड्यूस करती है कह सकते हैं, वो प्रपोज कर देती है उसको मैरिज के लिए, और किसी तरह से उसका बॉन्ड ले लेती है उससे, वो जो बॉन्ड जिस पे साइन किया हुआ था वैलेंटाइन ने। और ये बात जब वैलेंटाइन को पता चलती है उसका हार्ट ब्रेक कर जाता है, वो काफ़ी ऊपर उदास हो जाता है कि मेरे पिता से शादी कर रही है बाद में। लेकिन ये सारी सच्चाई बताती है कि ऐसी बात है, तो फिर बाद में फिर सब रीयूनाइट हो जाते हैं। आगे बात करें तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि इनका एक फेमस प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, विलियम कंग्रीव का ही, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, कम से कम नाम ध्यान में रखिएगा इस प्ले का। उसके अलावा आपको पोएट्स के बारे में स्टडी करते हुए ध्यान रखना है। मैं इतना सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ आपको रिमाइंडर के तौर पर कि आप पोएट के बारे में ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में पोएट के बारे में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी है कि इनका जन्म 1564 में, मृत्यु 1616 में, 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा, 37 प्लेज लिखे। उसी तरह विलियम कंग्रीव का जन्म 1670 में, मृत्यु 1729 में, और ये पॉलिटिशियन थे और इंग्लैंड से ही थे, सारे पोएट तो इंग्लैंड से ही हैं। और लास्ट वन के बारे में बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के बारे में, तो ये एक फार्सिकल कॉमेडी है, फार्स, इसको फार्स का दर्जा दिया जाता है, कॉमेडी तो था ही, तो कैसा कौन कॉमेडी है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक फार्सिकल कॉमेडी है, एक रिस्टोरेशन कॉमेडी है, सब ध्यान में रखिएगा। इसको लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, जिनका जन्म 1854 में, मृत्यु 1900 में हुई थी। इनको परफॉर्म किया गया था इसको 1895 में, और ये एक लेट विक्टोरियन प्ले है, लेट विक्टोरियन यानी विक्टोरियन एज के आखिरी के हिस्से में, जानते होंगे विक्टोरियन एज कब से कब तक है, 1837 से 1901 तक, तो समझ ही रहे हैं 1901 से मात्र 6 साल पहले।